हाय दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और क्लिक कीजिए बेल बटन को ताकि अपडेट्स पहले आपको मिले, बिल्कुल फ्री है। हम इस वीडियो में बात करेंगे ब्लैक गोस्ट नाइफ फिश के टैंकमेट्स। बहुत से लोग इस क्वेश्चन करते रहते हैं, बहुत से लोग पूछते रहते हैं कि ब्लैक गोस्ट फिश की टैंकमेट्स कौन सी है जो उसके साथ रह सके, क्योंकि ये फिशेज़ बहुत अग्रेसिव रहती है, इलेक्ट्रिक फिशेज है, तो ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सी इसके साथ रखें। आप इसको फिशेस को पेयर करने से पहले या टैंक मेट करने से पहले एक बात ज़रूर सोच ले, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फिश है, दूसरी फिशेस को आसानी से हर्ट कर सकती है, और ये एक टैंक में दो इलेक्ट्रिक फिश ना रखें। तो आपका सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर सजेशनल, जिसमें आप सबको फिशेस के बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है। जैसा कि मैं हर एक नए टॉपिक के साथ आता रहता हूँ, तो आज एक नए टॉपिक लेकर आया हूँ। आज हम बात करेंगे ब्लैक गोस्ट नाइफ फिश के टैंकमेट्स। ब्लैक गोस्ट के साथ आप कौन सी भी फिश रख सकते हैं, जैसा कि बड़ी फिशेस जिसका मौत जो है बड़ा रहता है वो आप रख सकते हैं, जैसा कि आसानी से जैसा कि सिचलेट्स है, ऑस्कर है, जॉक डेम्सिस है, बीचर है, लोचस है, टेट्रास भी आप रख सकते हैं। गोस्ट जैसा कि ब्लैक गोस्ट फिश अग्रेसिव फिशेस है, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये अगर आपके पास बड़ी टैंक हैं तभी इसको टैंकमेट्स रखें। अगर छोटी टैंक है 20 गैलन की है तो उसके अंदर टैंकमेट्स ना रखें, क्योंकि छोटी होने की वजह से फिशेस अग्रेसिव होकर दूसरों को अटैक कर सकती है। हाँ, अगर आपके पास बड़ी टैंक है तब ये फिशेस दूसरों के साथ जगह शेयर करना पसंद करेगी, लेकिन ज़रूरी है कि आप हाइडिंग प्लेस ज़रूर रखें। आप इसके साथ छोटे फिशेस भी रख सकते हैं अगर आप प्रॉपर हाइडिंग प्लेस दे दो, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हाइडिंग प्लेस ज़रूर रखें। आप इसके साथ रख सकते हैं जैसा कि बोलिवियन ड्राम्स, कार्डिनल टेट्रास, ब्लैक नियोन टेट्रास, ब्रेंस कैरीज, सेवेराम, गोल्ड सेवेराम या हीरो सेवेराम, ये फिश भी रख सकते हैं, पेपर कॉर्न, एंजल फिश भी अगर बड़ी हो तो रख सकते हैं। रेसिडेंस सेंस शॉर्प, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप हाइडिंग प्लेस ज़्यादा रखें। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल हुआ होगा। तो हेल्पफुल है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए मेरे चैनल को। मैं हर एक नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ हर बार आता रहता हूँ। और तो चलिए इसी वीडियो के साथ अलविदा कहते हैं, नेक्स्ट बार एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल।